महाराष्ट्र में INS विक्रांत निधिगमन मामले को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में अपने संपादकीय में लिखा, राज्य में शिंदे फडणवीस महामंडल की सरकार आने के बाद घोटालों के मामले बढ़ गए हैं। शिवसेना ने राज्य सरकार द्वारा बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को इस मामले में राहत देने का आरोप लगाते हुए उस पर तंज कसा। शिवसेना ने अपने लेख में लिखा, INS विक्रांत निधिगमन मामले में पिता पुत्र को राहत दी गई है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं। शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की हफ्ता उगाही की जांच करने वाली SIT को शिंदे फडणवीस सरकार ने बर्खास्त कर दिया। नवनीत राणा का लकड़ावाला से संबंधित दस्तावेजी वित्तीय लेनदेन का मामला मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी इन लॉन्ड्री वालों को सामान्य जांच के लिए भी बुलाने को तैयार नहीं है, जिन पर हत्या, बलात्कार, आत्महत्या के लिए उकसाने, वसूली, वित्तीय घोटाले और ईडी की जांच शुरू थी। वे सभी भाजपा की वॉशिंग मशीन में घुसकर स्वच्छ हो गए हैं। हालांकि इससे आजादी का अमृत महोत्सव कलंकित और धूमिल हो गया है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।